वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल ऑन एरिया बिटवीन टू कर्व्स को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइप से न्यूमेरिकल हो तो पहली करो दूसरी करो, ठीक है। सबसे बेस तो वही रहेगा न्यूमेरिकल्स का कि सबसे पहले तो हमें इंटरवल चाहिए, जैसे है जे एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो एंड पाई बाई टू। एक्स का मतलब ये एंगल है, सीधी सी बात है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरवल गिवन है, इंटरवल के बाद क्या करना था हमने, जैसे इस बात का ये मतलब है कि इंटरवल इस टाइप से जीरो से पाई बाई टू तक का, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या काम था हमारा कि टेबल बनाएंगे उसी तरीके से, ठीक है। टेबल, अब टेबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू इस तरीके से। हमेशा ये बात याद रखना, जब भी टेबल बनाएं हमेशा एक्स की वैल्यू, जैसे वाई वन और वाई टू लिख देते हम दो करो, सही बात है, यहाँ पर एक्स तो एक ही होता है, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक्स तो एक ही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। जो भी इंटरवल बनाना चाहते हो बीच में, ठीक है, जैसे जीरो, जीरो के बाद हो सकता हम सीधा इसके बीच का मतलब 45 डिग्री डायरेक्ट ये ले लें, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव, सिर्फ ये बात दिमाग में होनी चाहिए, मतलब कहाँ पर अबव है कहाँ पर बिलो, बस ये दिमाग में बात होनी चाहिए बस, ठीक है। हो सकता है ये टेबल बनाना चाहते हो, हो सकता है इसकी वैल्यू पता हो हमें, जैसे वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, हो सकता है ग्राफ पता हो हमें, ठीक है। ग्राफ सबसे पहले वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ पता हमें किस तरीके का होता है, जीरो से चलता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होती है, 1, सही बात है, और ये नीचे वाली -1। और जो साइन एक्स की, जैसे साइन एक्स की बात करें, -1 इस तरीके की वैल्यू आती है, -1 के बी 1 के बीच में लाई करता है इसका ग्राफ, ठीक है। इस साइड भी इसी तरीके से है, ठीक है, बस ये एंगल पता हो, यहाँ पर 0 डिग्री, साइन 90 होता 1, तो यहाँ पर पाई बाई टू इस तरीके से, ठीक है। तो 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ, ये इस यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है, ये होगा मतलब इसका, सही बात है। ये तो ही साइन एक्स, हो सकता है कोस एक्स का ही पता हो हमें, कोस एक्स में भी सेम बात होती है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, लेकिन कोस एक्स का ग्राफ 1 से चलता है, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, ये पॉइंट नीचे वाला -1 ऊपर वाला 1 इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट जैसे इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है, ऊपर, बस समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बीच में अब किस तरीके से ग्राफ होगा कि अब वैल्यू याद हो में, जैसे यहाँ पर बीच में जीरो, कोस 90 जीरो होता है, तो ये कितना हुआ 90 पाई बाई टू, तो ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, 0 से π/2 और यहाँ पर भी 0 से π/2, सही बात है एंगल की बात करें तो, ठीक है, इसकी 0 से π/2 तो ये हुआ एंगल, ठीक है, और यहाँ पर ये हुआ, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। बस यहाँ पर कुछ नहीं, एक बात याद होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, हो सकता है हम इससे ना समझ में आए, वैल्यू टेबल बनाना चाहती हूँ, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू एक बार इसमें 0 पुट करनी है, एक बार इसमें 0, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0, तो साइन 0 0 होता है, ये एक्चुअल में डिग्री है, ठीक है, या फिर रेडियन में पढ़े एक ही बात है, ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, बस इसके लिए एक लाइन याद होनी चाहिए हमें, ट्रिग्नोमेट्री कौन सी, साइन थीटा, ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री, वही बार बार बेस यूज रहा, 45 60 90, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू याद हो, 0 1/2 1/√2√3/2 और 1, बस कोस थीटा में ये वैल्यू की इस लाइन का रिवर्स करना है, बस कोस थीटा में किस तरीके से 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर, और बीच की वैल्यू भी इसी तरीके से चेंज होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर 45 की, इसका मतलब क्या था, 45 पर दोनों की वैल्यू 1/√2 है, इस तरीके से 1/√2 है, सही बात है। अब इसके बाद 90 डिग्री पर साइन थीटा 1, दूसरा 0, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट क्या था कि पॉइंट मिलाएंगे, ठीक है, बेस का तो यही पॉइंट था कि तीसरा पॉइंट क्या था कि पॉइंट मिलाने हैं, ठीक है। पॉइंट किस तरीके से, सबसे पहले पहली कर्व के लिए, पहली कर्व वाई वन किसकी है, साइन एक्स की, इसको वाई टू हम नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल है 0 से 90, सबसे पहले पॉइंट मिला लो, सीधी सी बात है, एक्स और वाई वन के पॉइंट मिलाएंगे, सबसे पहले 0 0 यहाँ पर है, सही बात है। अब इसके बाद, अब 0, जैसे एक्स की वैल्यू जा रही है 90 तक, इस तरीके से इंटरवल बना लेंगे,
ठीक है, 90 तक। और y की वैल्यू कहाँ से है, y की वैल्यू 0 से 1 तक, ठीक है, और 1 से 0, 0 है बीच में कहीं पर, इस पर 1/√2 आएगा, सही बात है, और ऊपर 1 भी आ जाएगा, ठीक है, 0 0 ये पॉइंट हुआ, फिर π/4 और 1/√2, तो किस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की, ठीक है। अब इसके बाद π/2 और 1, π/2 और 1 इस तरीके से होगा, ठीक है, तो इसको मिला लो, इस पॉइंट को इस तरीके से मिलेगा, सही बात है, यही तो बात यहाँ पर थी, ठीक है। अब अगली बात, अब y2 के लिए ये करो हुई y1 की, मतलब साइन एक्स की, ठीक है। अब इसके लिए 0 और 1, 0 1 कहाँ पर होंगे, 0 1 इसको कहते हैं, बस ये बात बताओ नीचे हमें, ठीक है। फिर π/4 दूसरा पॉइंट तो ये सेम है, ठीक है, और π/2 और 0 उसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, बस इन पॉइंटों को जैसे उसको मिला है, अभी इस तरीके से मिला लेंगे, ये होगी y2 की, इस तरीके से बात कर रहे हैं अब तक, ठीक है, और यही बात यहाँ से पढ़ी थी हमने, ठीक है, मतलब 1 से 0 पर आना है, इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर, एंगल यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर क्या, अब ये तो ही साइन एक्स और कोस एक्स के इस तरीके से ग्राफ की बात, ठीक है, हमें तो एरिया निकालना है इन दोनों कर्व के बीच में, ठीक है। अब ये तो एक तो ये कर्व है, सही बात है, एक ये कर्व है इस तरीके से, ठीक है, एक कर्व तो इस तरीके से और दूसरी इस तरीके से, तो कॉमन पार्ट क्या हुआ यहाँ पर कि अब बस ये पॉइंट समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब साइन एक्स की कर्व तो कह रही है कि यहाँ से यहाँ तक, सही बात है, अब ये कोस एक्स की कर्व कह रही है यहाँ से यहाँ तक, अब अगर सिर्फ ये कंडीशन ना हो तो सीधी सी बात है, कॉमन एरिया क्या हुआ, इस कर्व से और इस कर्व के बीच का कॉमन एरिया, सीधी सी बात है, इन दोनों के कर्व के बीच का एरिया, तो ये बात है, दोनों एरिया फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड रीजन समझ लो, सही बात है, ये इस पर भी है, इस पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ी ना मतलब है कि जैसे ये कर्व है वाई इजिकल टू साइन एक्स की, अब यहाँ से ये थोड़ी ना कंडीशन है कि ये ऊपर वाले की बात कर रहा है या फिर नीचे वाले की, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इस कर्व से हमें ऊपर वाले का एरिया चाहिए या फिर नीचे वाले का, सही बात है। सेम बात वाई टू के लिए, इस कोस एक्स की भी यही बात होगी, ऊपर वाले की या फिर नीचे वाले की, ठीक है। अब ऊपर तो कितना भी कॉमन हो, ये पोर्शन तो छोड़ दो, ये बात तो गई, ठीक है, यहाँ से तो कितना भी ये ग्राफ जैसे चलता रहेगा इस तरीके से आगे, ठीक है, ये बात जैसे यहाँ पर पढ़ी थी हमने, आगे का तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस इंटरवल की बात करनी है, 0 से π/2, अगर ये बात दोनों ना गिवन हो, दोनों बात ना गिवन हो, तो ये कॉमन एरिया होगा दोनों का सम, बस ये बात याद रखनी है। लेकिन पहला पार्ट है कि एक्स एक्सिस, मतलब साइन एक्स कोस एक्स और साथ में एक्स एक्सिस में कॉमन बात कौन सी है, अब बस ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले साइन एक्स की पूरी कर्व है, सही बात है, साइन एक्स की पूरी कर्व है, अब कोस एक्स की भी पूरी कर्व है, लेकिन इस एक्स एक्सिस का क्या मतलब था, एक्स एक्सिस पर खड़े हम, ये है एक्स एक्सिस, हमें तो सिर्फ इसकी बात करनी है, क्यों करनी है इसकी बात, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से π/2 है, एक्चुअल में तो एक्स एक्सिस यहाँ पर भी है, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है इस इंटरवल की वजह से, सही बात है, एक लिमिट बनाई इस एक्स एक्सिस की कंडीशन ने साथ में मिलकर इस क्वाड्रेंट वाली ने या फिर इंटरवल वाली ने, एक बात है, सही बात है। अब यहाँ पर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना हमने, सही बात है, अब साथ में वाई इजिकल टू साइन एक्स, एक ये कंडीशन है, सही बात है, इस तरीके से, ठीक है, और एक बार कोस एक्स के लिए ये ग्राफ है, इस तरीके से ये लिमिट बनेगी जब एक्स एक्सिस की, मतलब सिर्फ सेकंड रीजन का एरिया निकालना है, सीधी सी बात तो ये, जब एक्स एक्सिस की बात हो तो, ठीक है, मतलब जो एरिया हुआ, एरिया किसके बराबर, अब यहाँ से यहाँ हम एक्स एक्सिस पर खड़े हैं, वही बात है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है, अब इसको हो सकता है हम दोनों एक्सिस की हेल्प से निकालना चाहते हो, इस एक्स एक्सिस की हेल्प से, इस वाई की हेल्प से, सबसे पहले अगर यहाँ पर खड़े हो तो हम वाई एक्सिस पर, तो कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचा, कौन से नीचे, ठीक है, इस तरीके से, या फिर हो सकता है जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े हैं तो ऊपर कौन सी है, ऊपर वैसे दिख तो ये रही है, मतलब इसकी, सही बात है, और नीचे ये है, लेकिन एरिया डायरेक्ट हम एक्स एक्सिस की हेल्प से निकाल लो, सीधी सी बात है, ठीक है, क्यों,
अब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस की हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट, किस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे पहले इंटरवल, इंटरवल क्या बनेगा, ये है 0 से π/2, इसका मतलब क्या था, एक्स एक्सिस पर खड़े हम, 0 से π/2 तक का इंटरवल हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, सही बात है। लेकिन क्या हम इन दोनों इक्वेशनों को, अगर इस पॉइंट पर खड़े हों, इस लाइन पर खड़े हों, क्या हम यहाँ से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे, सही बात है। यहाँ इस लाइन पर खड़े हम, ये नहीं है कि ये ऊपर, कोई कोई भी ऊपर ना हो, तो ये स्पेशल केस था, बस ये स्पेशल केस याद होना चाहिए, ठीक है। जब हम डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए कि कौन सी कराओ ऊपर है कौन सी कराओ नीचे है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करना था, कुछ नहीं, बस दोनों कराओ है, जैसे डी एक्स का मतलब वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, और कुछ इंटरवल है, इंटरवल 0 से π/2, तो दोनों के वाई निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, इस स्पेशल केस में ये कहा था हमने। क्यों कहा था, बीच में प्लस का साइन क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी नहीं पता है कि कौन सी कर्व ऊपर है, इस लाइन पर खड़ी है तो इस वजह से, सही बात है। तो दोनों के वाई निकाल लो, गिवन थे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये प्लस कोस एक्स क्यों आया, ये साइन पता होना चाहिए हमें, इस तरीके से, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये जो डी एक्स का यूज किया, यहाँ पर हम डी वाई का यूज क्यों नहीं करते, बस ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस की हेल्प क्यों नहीं लेनी है, कब, जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्यों। अब जैसे यहाँ से तो वाई निकालते हैं, सही बात है, सही बात है, लेकिन अगर हम यहीं पर अगर डी वाई की हेल्प से न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हो, तो जैसे लिमिट डी वाई का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस पर खड़े इस लाइन पर, सही बात है, इस लाइन पर खड़े हम, लिमिट क्या बनी 0 से 1/√2, यहाँ पर तो वैल्यू है, लिमिट क्या बनी 0 से 1/√2, एरिया इसके भी बराबर होगा, सही बात है ये, ठीक है। यहाँ से हम सीधी सी बात है, अब इस लाइन पर खड़े हो, ठीक है, ऊपर तो ये करो है, ऊपर तो ये करो होगी, अगर इस लाइन पर खड़े हो तो वाई टू ऊपर है, सही बात है। अब वाई टू, वाई टू का मतलब है कोस एक्स, लेकिन जैसे यहाँ से वाई इंटू डी एक्स निकालना था, यहाँ से एक्स इंटू डी वाई निकालना पड़ता है, एक्स तो एक्स किसके बराबर होगा, यहां से एक्स किसके बराबर होगा, यहां से कोस इनवर्स वाई के, इस तरीके से, सही बात है। फिर माइनस का साइन, अब माइनस का आएगा क्योंकि हम जब इस लाइन पर खड़े हो तब पता कर सकते हैं कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, ठीक है। माइनस का साइन, इसी तरीके से यहां से एक्स निकालना पड़ेगा, साइन इनवर्स वाई, इस तरीके से बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें तो सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालना है, पहले इंटीग्रेशन निकलता है फिर लिमिट पुट करनी होती है। जैसे साइन एक्स के तो सीधे फॉर्मूले पता हमें, साइन एक्स कोस एक्स के, सही बात है, लेकिन इसके थोड़ी ना डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं कोस इनवर्स वाई के, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका, जैसे साइन इनवर्स वाई की या फिर एक्स की बात करें, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, 1/(1 − x²) का इस तरीके से स्क्वेयर रूट, और कोस इनवर्स एक्स हो तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन का मतलब इसका अपोजिट, इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जैसे इसका इंटीग्रेशन निकलेगा इसका, लेकिन अब हमें निकालना तो इसका है, इसके लिए तो अब डायरेक्ट ना तो कोई फॉर्मूला होता, अब इसके लिए कोस इनवर्स, तो यहाँ पर सिर्फ और कुछ नहीं, कैलकुलेशन होगी लेंथ ही, और कुछ नहीं, पहले इंटीग्रेशन इस इनटू में 1 लेके करते हैं हम, हो सकता है हम इंटीग्रेशन से निकालना चाहते हो कि मतलब इसका इंटीग्रेशन पता हो, ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पर निकलेगा इससे भी और इक्वल निकलेगा, क्यों इक्वल निकलेगा, क्योंकि लिमिट की वजह से, रीजन तो यही है, रीजन तो यही है, इस वजह से, ठीक है, आंसर सेम आएगा लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन लेंथ ही होती है, और इसीलिए हम इस डी वाई को रिजेक्ट या इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट नहीं इग्नोर, इस वजह से, कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है, ये तो इसकी बात। अब जब वाई एक्सिस हो तो सेकेंड पॉइंट में, ठीक है, मतलब साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स की ये कर्व थी कोस एक्स की ये, लेकिन वाई एक्स एक्सिस का मतलब ये पूरी कर्व, इस तरीके से ये पूरी कर्व, तो ये यहाँ से यहाँ तक बाउंडेड हुआ ये रीजन, साथ में एक का ये बाउंडेड होगा और एक का ये, ठीक है। अब सीधी सी बात, अब हम कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, मतलब सिर्फ फर्स्ट रीजन का निकालना है, क्यों ये पार्ट क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये पार्ट। अब सीधी सी बात, एक लिमिट तो जैसे ये, तो ये दोनों तो कॉमन है, वाई वन और वाई टू तो दोनों में कॉमन है, सही बात है, लेकिन जो ये है वाई एक्सिस, ये इस पर थोड़ी ना होती है, इस पर नहीं होती, सही बात है। इसीलिए एक्स एक्सिस में जब यहाँ पर खड़े थे हम एक्स एक्सिस पर, इसमें ये थोड़ी ना कॉमन आएगा, इसकी तो अलग बात है, ये तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है,
ये है तो ही वैसे इस पर, लेकिन स्ट्रेट लाइन का जैसे इस तरीके से, ठीक है। जैसे वाई एक्सिस की खास बात क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, और हमने पढ़ा था किसी इस टाइप से इक्वेशन हो उसका एरिया 0 होता है, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं इस वजह से, ठीक है। ये तो इसमें कौन से रीजन का निकालना हमने, जब वाई एक्सिस हो तो फर्स्ट का, ठीक है। हाँ तब जब ये दोनों बातें ही ना हो तो फिर तो ये पूरा कॉमन होगा, ठीक है। पहला भी और दूसरा भी दोनों को ऐड करना है, बस कुछ नहीं, लिमिट तो सेम बननी है, लिमिट तो सेम बनेगी 0 अगर एक्स से बात करें तो, ठीक है। बस इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।